नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, मैं मेरे YouTube चैनल में जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ, हम लोग जो रोज कुछ ना कुछ एप्लीकेशन यूज करते हैं, वो सब कुछ उसी के बारे में ही होता है जो आपको यूजफुल हो और आपके जिंदगी में वो काम आए। तो ऐसे ही आज मैं एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा आपको, जो आपके रोज के दिनों में बहुत ही काम का होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौस्तुभ, आप देख रहे हो टिकी बॉन्ड। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आप एक बात मुझे बताइए, आप जो मेडिसिन मतलब दवाई जो परचेस करते हो वो ऐसे कहां से करते हो? मैं जैसे रिटेलर शॉप से करता था, आप भी रिटेलर शॉप से करते होंगे, पर लॉकडाउन के टाइम रिटेलर शॉप से मेडिसिन परचेस करना, वो लंबे लाइन में खड़े होना और मेडिसिन की अवेलेबिलिटी भी नहीं थी, तो बहुत दिक्कत होता था। तो उस वक्त मुझे एक बहुत ही अच्छी ऐप्स के बारे में पता चला और तभी से लेके आज तक मैं वो ऐप्स रेगुलर यूज़ करता हूँ दवाई परचेस करने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मेसी करके एक ऐप्स के बारे में। तो आप ये ऐप्स यूज़ करके देखिए आपको कैसा लगता है, इस ऐप्स में कैसे आप अकाउंट बना सकते हो, कैसे मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हो, पूरा डिटेल्स आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो नेक्स्ट हम चले जाएंगे मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर, तो देखिए। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर। जल्दी से ओपन कर लेते हैं प्ले स्टोर ऐप्स। प्ले स्टोर ऐप्स ओपन करने के बाद सर्च कर लेते हैं फार्म इजी। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, फार्मेसी नहीं, फार्म इजी, ये वाला ऐप्स का आइकॉन आप पहचान लीजिए, फार्मेसी। इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देते हैं तो आपके मोबाइल पर फार्मेसी का एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड हो गया है, अभी आपके मोबाइल पे इंस्टॉल हो रहा है। आप देख सकते हो फार्मेसी ऐप आपके मोबाइल पे इंस्टॉल हो चुका है। आप नीचे ओपन बटन पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो, या वापस आ जाइए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और आप देख सकते हो फार्मेसी एप्लीकेशन। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं जल्दी से। ये आपके सामने फार्मेसी ऐप ओपन हो गया है। तो पहला ऑप्शन आएगा कि फार्मेसी ऐप आपका लोकेशन ट्रैक करना चाहेगा। आप अलाउ भी कर सकते हो, डिनाई भी कर सकते हो। डिनाई करोगे तो बाद में आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। ये ऐप्स आपका ओपन हो गया है, अभी आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। तो आप नीचे देखिए लास्ट जो बटन है अकाउंट करके, वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। तो आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर पूछेगा, तो मैं यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। मैं अपना फ़ोन नंबर डाल दिया, मेरे फ़ोन पे एक OTP आ जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ OTP आया कि नहीं। जी हाँ, OTP आ गया है। मैं यहाँ पे क्लिक करके OTP डाल देता हूँ। मैंने OTP डाल दिया, अब सीधे क्लिक करेंगे लॉगिन बटन पे। अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मेरा नाम पूछ रहा है, तो मैं अपना नाम यहाँ पे दे देता हूँ। मैं अपना नाम दे दिया। नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है एंटर योर ईमेल आईडी, तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिएगा। मैंने ईमेल आईडी दे दिया और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा है, आप चेक कर लीजिएगा आपके ईमेल आईडी पे एक मेल आ गया है। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार ओपन करके मेरा ईमेल आईडी। आप देख सकते हो मेरे ईमेल आईडी पे फार्मेसी ने एक वेलकम मेल भेजा है और कन्फर्म ईमेल बटन पे क्लिक करके मेरा मेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए बोला है। तो मैं कन्फर्म बटन पे एक बार क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैसेज आ गया है, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग विद अस। ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी दे चुका हूँ। अब सेव बटन पे क्लिक करते हैं। दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं अकाउंट पे जाके। देखिए मेरा अकाउंट ओपन हो गया है, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन हो गया है। ऊपर मेरा नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी दिखा रहा है। नीचे बहुत सारे ऑप्शंस है, इसका पूरा डिटेल्स मैं अगले किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये ओपन हो गया है आपका फार्मेसी का एप्लीकेशन। नीचे कुछ बटन है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। अकाउंट के बाद नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आपका अपडेट्स आ जाएगा और ऑर्डर अपडेट्स भी आ जाएगा। फिर डायग्नोस्टिक करके एक बटन है, यहाँ पर जो डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह है वो भी ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ ऑफर चल रहा है, आप देख सकते हो। उसके बाद हेल्थ केयर करके एक बटन है, यहाँ पे मेडिसिन का और हेल्थ केयर प्रोडक्ट का पूरा डिटेल्स है और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, आप पूरा लिस्ट देख सकते हो। और फर्स्ट पे जो बटन है होम बटन, होम बटन पे क्लिक करके आप अपने ऐप्स पे वापस आ जाओ। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका एप्लीकेशन का पूरा इंटरफेस।
तो इस तरीके से आप आसानी से फार्मेसी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हो। आज कुछ कुछ डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। आप एक बार अकाउंट बटन पे आ जाइए, यहाँ पे ऑर्डर्स, रिफिल्स, प्रेस्क्रिप्शन, डायग्नोस्टिक रिकॉर्ड, मैनेज पेशेंट, वॉलेट, नीड हेल्प, मैनेज एड्रेस, सेट रिफंड प्रेफरेंस, रेफर एंड अर्न, लीगल, ये सारा ऑप्शन है। अब रेफर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन का रेफरल कोड है वो दिखाई देगा। जैसे ये वाला मेरा रेफरल कोड है, आप लॉगिन के टाइम ये रेफरल कोड यूज़ करके लॉगिन करोगे तो आप देख सकते हो 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। वैसे तो अभी फार्मेसी का ऑफ़र चल रहा है कि सभी मेडिसिन पे आपको फ्लैट 15% ऑफ मिलता है, तो आप ये रेफरल कोड यूज़ करके अगर लॉगिन करते हो तो आपको और एक्स्ट्रा 5% बेनिफिट मिलेगा। आप अकाउंट बटन पे ऊपर देखिए, जहाँ पे मेरा नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी है, उसके दाहिने तरफ एक एडिट करके बटन है। आप अगर एडिट बटन पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो अभी आपका नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाइड हो गया है। ऊपर देखिए एक सर्च बटन है, सर्च मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट, यहाँ पर क्लिक करके आप जो भी दवाई आपको ज़रूरत होती है वो आप सर्च करके ऑर्डर कर सकते हो। कैसे आप पूरा ऑर्डर कर सकते हो, कैसे पेमेंट कर सकते हो और क्या फीचर्स और बेनिफिट्स है, पूरा डिटेल्स मैं अगले किसी वीडियो में आपको पूरा दिखाऊंगा और डिटेल्स में बताऊंगा भी। और एक लास्ट चीज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप ऊपर देखिए एक जो कार्ट का आइकॉन है उसके बाएं तरफ एक परसेंटेज करके आइकॉन है, वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो जो भी ऑफर्स वगैरह चल रहा है एप्लीकेशन पे उसका डिटेल्स आपको दिखाई देगा। अभी देखिए फर्स्ट मेडिसिन ऑर्डर पे 18% ऑफ है, और भी बहुत सारे ऑफ है, कैशबैक का ऑफ है, अमेजन पे, पेटीएम, मोबीक्विक वॉलेट का, फार्मेसी का जो प्लस मेंबरशिप का ऑफर है, एयरटेल बैंक पेमेंट, और भी बहुत सारे ऑफर्स है, आप देख सकते हो पूरा डिटेल्स। तो आपने पूरा डिटेल्स देख लिया, आप कोई भी मेडिसिन ऑर्डर करो और मुझे कॉमेंट करके बताओ कि आपको पहले से ज़्यादा ये किफ़ायती लगता कि नहीं। तो दोस्तों आज आपने सीखा कैसे आप फार्मेसी ऐप्स में लॉगिन कर सकते हो और कैसे अपना अकाउंट बना सकते हो। अब रिटेल शॉप से आप जो परचेस करते हो वो तो सही बात है, उसका दूसरा कुछ ऑप्शन है नहीं। जैसे आपका इमरजेंसी में कोई दवाई ज़रूरत होता है तो वहाँ पे तो रिटेल शॉप मेन ऑप्शन है, वो मैं भी करता हूँ। अगर आपको रेगुलरली कोई दवाई लगता है, जैसे आपको हर मंथ वो लगता ही है, तो जैसे आपको बहुत सारा दवाई खरीदना पड़ता है, तो उसके लिए रिटेल शॉप का जो डिस्काउंट होता है उतना खास नहीं होता है। तो आप अगर फार्मेसी ऐप यूज़ करोगे वहाँ पे आपको हर दवाई में फ्लैट 15% डिस्काउंट मिलेगा। और जो मैंने मेरा रेफरल कोड आपके साथ शेयर किया है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वो यूज़ करके आप परचेस करोगे तो आपको 15% के ऊपर और एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस वीडियो से टेक्नोलॉजी के बारे में आपको कुछ नया सीखने को मिला। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ऐसी वीडियो आपको रोजाना मिलती रहेगी। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मैं मेरे वीडियो शूट के टाइम जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल करता हूँ उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ज़रूरत होता है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके क्लिक करके आप परचेस कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, दोबारा मिलते हैं किसी नए वीडियो में जहां सीखेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में नया कुछ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये ऐप कैसा लगा और आगे आप किस टॉपिक्स में वीडियो देखना पसंद करोगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।